वीर बाल दिवस के अवसर पर शामिल हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पहुंचे ईदगाह हिल्स गुरुद्वारा। आज वीर बलिदानी शहीद जोरावर फतेह सिंह का बलिदानी दिवस, जिसकी पिछले वर्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस के रूप में शुरुआत की है। भारत के इतिहास में उनका बलिदान, भारत के धर्म और संस्कृति के प्रति जिन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया था, लेकिन वह झुके नहीं, ये भारत का इतिहास और संस्कृति को दर्शाता है। आज गुरु गोविंद जी के चरण पुत्र जिन्होंने अपना बलिदान दिया, मैं आज उनके बलिदानों के लिए उनके चरणों में अपना माथा टेक कर श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। बाए गुरु जी फतेह, आज वीर बलिदानी शहीद जोरावर सिंह फतेह सिंह का बलिदान दिवस, जो पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस के तौर पर जिसकी शुरुआत की है, भारत के राजनीति के इतिहास में साहेबजादे का बलिदान, जो इस देश की धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया था, लेकिन वो झुके नहीं थे, यही भारत का इतिहास और भारत की संस्कृति और भारत की रक्षा के लिए बलिदानियों का इतिहास है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्र जिन्होंने बलिदान दिया, आज उन्हें याद करते हुए इस शहादत के दिवस पर मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अपना माथा टेकता हूं, श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और आज का दिन अगर मैं ये कहूं कि इस भारत की संस्कृति और धर्म की रक्षा किसी ने की, तो हमारे सिख धर्म के हमारे उन गुरुओं ने जिन्होंने इस देश के लिए धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया, आज उन्हें याद करके पूरा देश, और जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा कि ऐसे वीर बलिदानियों को वीर बाल दिवस के तौर पर आज हम याद करते हैं, क्योंकि ये शहादत का दिन है, उन्होंने बलिदान किया है, पुनः मैं एक बार उनके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए अपना माथा टेकता हूं। बहुत बढ़िया।